गाने के दो बोल सुना सुनाऊंगा। लब ले तरी का कोई होर सोने रानी खेड़ा पावे तोड़ दे मेरा। बहुत ही मधुर आवाज़ है और आप सबने भी सुनी होगी और मैं यही चाहूँगा कि इनकी आवाज़ जो है पूरे हिंदुस्तान में पूरे प्रोडक्शन टीम को। चीज़ ये है कि जो गाना आज रिलीज हुआ है और ये ऐसे लोगों के हाथ रिलीज हुआ है जो कल्चर से पुरस्कार से भगवान इनको कामयाबी दे, आपका गाना जो ज़्यादा प्रचलित हो, लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा सुने, आप और भी इनक्रेज हों और इस किस्म के गाने और भी लिखें और गाएँ ताकि इससे सब लोगों को फ़ायदा हो सके। जम्मू का नौजवान हर फील्ड में अपना लोहा मनवा रहा है। आपको बता दें कि उमरान मलिक ने जैसे इंटरनेशनल क्रिकेट में जो है अपना नाम कमाया और दूसरी जानिब जम्मू के नौजवान सिंगिंग में भी अपना लोहा मनवा रहे और इस सोशल मीडिया के दौर में अपना टैलेंट जो है लोगों के सामने ला रहे हैं। आपको बता दें कि आज के रोज़ लखवार एक पंजाबी सॉन्ग वाइट हिल टूंस की जानिब से रिलीज़ किया गया जिसका पोस्टर आज देसी हांडी रेस्टोरेंट में रिलीज़ किया गया और इस सिलसिले में एक प्रोग्राम भी रखा गया था जिसमें फार्मर कैबिनेट मिनिस्टर आरएस चिब चीफ गेस्ट के तौर पर मौजूद रहे और साथ ही साथ सीनियर बीजेपी लीडर अभिजीत सिंह जसरोटिया, वक्फ बोर्ड के मेंबर सोहिल काजमी, परविंदर कौर, केएस सेक्रेटरी जेएमसी और दीगर मौजूद शख्सियात मौजूद रही। आपको बता दें कि ये नौजवान लैंग्वेज और कल्चर को प्रमोट करने का काम कर रहे हैं। तक इस गाने के बोल भी हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ प्रोग्राम में मौजूद शख्सियात का नौजवानों के लिए क्या पैगाम था वो भी आप तक पहुंचाएंगे। आप हमारे साथ रहिए। बहुत ही मधुर आवाज़ है और आप सबने भी सुनी होगी और मैं यही चाहूँगा कि इनकी आवाज़ जो है पूरे हिंदुस्तान में पूरे विश्व में गूंजे। और आमिर वानी साहब से ये भी कहूँगा जिस तरह से आपने पंजाबी गाना गाया एक ज़रा डोगरी गाना भी गाएं और एक कश्मीरी गाना भी गाएं ताकि जम्मू कश्मीर की जो वो चीज़ है वो भी लोगों के बीच में आए और इस तरह के यूथ के टैलेंट को प्रोत्साहन देने के लिए आज हम लोग यहाँ पहुँचे। हमारे साथ हमारे चिप साहब जो हमारे सीनियर हैं उनके साथ हमारे काजमी साहब मैडम हैं यहाँ पर, तो ये सब लोगों ने इसकी हौसला अफजाई के लिए हम सब लोगों ने इकट्ठे किए और आप सबको मेरे को रिक्वेस्ट ये है इनके गाने को जो है सबके सब लाइक करें, सिर्फ लाइक ही नहीं उसको ट्वीट रीट्वीट जितना हो सके क्योंकि आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा यही माना जाता है। तो अगर आप सही में चाहते हैं कि आमिर भी वही बुलंदियाँ छूए जो लोगों ने छुई है बाकी कलाकारों ने छुए हैं तो उसके लिए आप सबको इसका प्रोत्साहन करने के लिए इसको लाइक करना पड़ेगा, ट्वीट करना पड़ेगा। गाना आप लोगों ने सुन लिया, मैंने भी सुना, मुझे लगता नहीं कि आमिर भाई किसी और से कम है और ये मुझसे वादा भी कर रहे हैं कि ये दोबारा भी गाएंगे। धन्यवाद। पंजाबी सॉन्ग है बेसिकली और इसमें सारे जो आर्टिस्ट यूज हुए हैं सारे लोकल्स हैं तो गाने के दो बोल सुनाऊंगा। लब ले तरी का कोई होर सोने असी छड़ना नी खेड़ा पावे तोड़ दे मेरा दिल तोड़ दे पावे तोड़ दे ना ब्याह करवाना मैं किते होर वे दिल तोड़ दे पावे मोड़ दे ना ब्याह करवाना किते होर वे लोकी मंगदे ने रब कोलो लखा मैनू तू लखवार चाहिदा। मैं इन सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और ये खूबसूरत चीज़ ये है कि जो गाना आज रिलीज हुआ है और ये ऐसे लोगों के हाथ रिलीज हुआ है जो कल्चर से बहुत प्यार करते हैं। यहाँ जितने भी प्रेजिडियम में लोग हैं हम सब कल्चर को बढ़ाने के लिए कल्चर को मैं और मजबूत करने के लिए काम करते रहते हैं अपनी अपनी फील्ड्स में और आगे भी करते रहेंगे। जिसकी तरफ आपने इशारा किया कि कहीं कोई प्रॉब्लम्स आती हैं तो दुआ कीजिए जल्दी जल्दी इलेक्शन हों, चीफ साहब दोबारा टूरिज्म मिनिस्टर बने, रविंदर कौर और कहीं सेक्रेटरी टूरिज्म हों और हम भी कहीं बैठे तो ये सब छोटी छोटी शिकायतें आपकी दूर हो जाएंगी और मुझे उम्मीद है आने वाले दिनों में और अच्छी तरह जम्मू के लोग, जम्मू कश्मीर की आवाम में से चुने हुए लोग जम्मू कश्मीर को चलाएं। जम्मू कश्मीर का नक्शा बदलने में मुझे लगता है भगवान भी हमारा साथ देगा और ये किसी भी इबादत से कम नहीं होता। कोई गांव गाने को कंसीव करना, उसको आइडिया को एक कैसेट में परोना, तो मैं समझता हूँ ये इबादत करते रहिए, अपने जम्मू कश्मीर के कल्चर को बढ़ाते रहिए और जम्मू कश्मीर की लैंग्वेज का जो बढ़ावा है इसी से होगा और ये पूरी दुनिया में हमारा जो नाम है वो इसी तरह बढ़ेगा। थैंक यू वेरी मच। सिंगर और पूरी प्रोडक्शन टीम को मैं मुबारकबाद देना चाहूँगी और मैं जम्मू की जनता से भी अपने जम्मू कश्मीर की जनता से ये भी अपील करने चाहूँगी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस गाने को सुने और लाइक करें क्योंकि हमारा लोकल टैलेंट है तो हमें सबको सपोर्ट करनी है मिलकर और इस गाने को सक्सेसफुल बनाना है। मैं ये कहूँगा कि ये बहुत अच्छी बात है कि इस किस्म के गाने लिखे जाएँ और ये जो समय है, ये जो वक्त है इस समय,
ये सोशल मीडिया का समय है और काफ़ी हद तक लोग आजकल सोशल मीडिया को देखते हैं और इस किस्म का टैलेंट जो वानी जी हैं जिन्होंने गाना लिखा फिर गाया भी और जो उनके साथ ही साथ में हैं, इस किस्म का टैलेंट लोगों के सामने तभी जाएगा जब इस किस्म के गाने या इस किस्म की प्रोडक्शंस होंगी और लोगों के सामने आएंगी। तो मैं अपनी ओर से इनको जो राइटर हैं जो गाने वाले हैं मैं इनको भी बधाई दूंगा और ख़ासकर मैं जो नाम पहले लिए हैं जो मेरे साथ में आए हैं यहाँ कादरी साहब जसोजिया ही और मैडम जो है या भारत शर्मा जी या हमारे अरूप शर्मा जी ये जो लोग आए हैं ये एक किस्म का दे विल प्रोवाइड इनकरेजमेंट टू द राइटर एंड सिंगर और जो जो प्रोडक्शन इन्होंने की है मैं समझता हूँ कि ऐसी चीज़ों को हमें इनकरेज करना चाहिए ताकि टैलेंट भी हम लोगों के सामने जाए, लोग उससे उसमें जो रुचि रखते हैं गाने में और जो शौक रखते हैं वो इससे फ़ायदा उठा सकें।